पिछली क्लास में टॉपिक लिया था स्ट्रेस, और स्ट्रेस को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आज हम एक नया टेक्निकल वर्ड लेंगे। अच्छा ध्यान रखना, हमें मेजर करना है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी मेजर करने की कुछ सीढ़ियां है, उसमें से पहली सीढ़ी थी स्ट्रेस, और दूसरी सीढ़ी हम चढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेन। आज हम दूसरी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मे बी पॉसिबल ये भी शब्द आपने जनरल लाइफ में सुना हो, जैसे स्ट्रेस आपने जनरल लाइफ में सुना होता है, पर यहां डिफाइंड मीनिंग है। इलास्टिसिटी जनरल लाइफ में सुना है, पर यहां डिफाइंड मीनिंग है। स्ट्रेन जनरल लाइफ में आपने सुना होगा, स्ट्रेन का मतलब होता है जनरली खिंचाव या डिस्टर्बेंस, डिफॉर्मेशन। जैसे सपोज करो कोई बॉलर बहुत दिन बाद बॉलिंग करा रहा है, यूं करके अचानक उसका मसल्स खिंच गए, तो हम बोलेंगे मस्कुलर स्ट्रेन आ गए। जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने देखा होगा, सुना होगा स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स पर्सन को, मोस्ट स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उसमें स्ट्रेन वर्ड बड़ा कॉमन है। फुटबॉलर ने लात मारी, फुटबॉल में ढंग से नहीं लगी, स्ट्रेन आ गए। ठीक है, स्ट्रेन का मीनिंग होता है खिंचना, दबना या डिस्टर्ब होना। केवल खिंचना नहीं, खिंचना, दबना, डिस्टर्ब होना। तो चलिए, क्योंकि हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये बात तो सत्य है कि डिफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे हम। स्ट्रेस में हमने ये पढ़ा, देखो स्ट्रेस में हमने ये पढ़ा कि हमने कितनी उंगली करी, और स्ट्रेन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें कितनी उंगली हुई, यानी हमने कितनी कोशिश करी, और इसमें पढ़ते हैं कितनी कोशिश हमारी सफल हुई। मैंने उसमें कितना डिस्टर्बेंस करने की, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, याद है ना कि मेरे कोशिशें कितनी थी, यदि ठीक है, और उसके बाद मेरी कोशिश सफल कितनी हुई। इलास्टिसिटी चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बॉडी अपनी बॉडी को, अपनी कॉन्फिगरेशन को रीगेन करेगी, लेकिन रीगेन करने से पहले हमें डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि वो रीगेन करने के लायक, रीगेन करने वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है कि नहीं। तो आइए स्ट्रेन स्टार्ट करते हैं। कितनी उंगली करी, कितनी उंगली हुई, इसका मतलब होता है द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन साइड बॉडी। इस फिजिकल क्वांटिटी में हम ये कैलकुलेट करेंगे द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन इनसाइड बॉडी। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, डेफिनेशन बड़ी आसान है। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी में हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कोई बॉडी को स्ट्रेस लगाने के बाद हमने उससे कितना डिस्टर्ब कर दिया, और हर बॉडी एक जैसा डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चटचट वाले पेन में जो स्प्रिंग होती है वो दे दूं, और सॉकर वाली स्प्रिंग दे दूं, है ना, दोनों स्प्रिंग का नेचर, दोनों ही कहने को स्प्रिंग है लेकिन दोनों का नेचर तो अलग अलग है ना। दोनों स्प्रिंग को जब आप एक जैसी उंगली करोगे तो एक जैसा डिस्टर्ब नहीं होंगी, भले ही आप उसमें एक जैसी उंगली कर देना, आप भले ही स्ट्रेस एक जैसी लगा देना, है नहीं, लगाई जा सकती है स्ट्रेस, एक एक किलो का वेट रख देना दोनों पे, लटका देना एक एक किलो का, तो आप देखोगे हमने उंगली तो एक जैसी करी लेकिन डिफॉर्मेशन एक जैसे नहीं हुए। तो चलिए, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इनसाइड अ बॉडी इज मेजर्ड इन अ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। अब ये मेजर होगा कैसे, स्ट्रेन मेजर होगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये वायर ए और ये वायर है बी, एक वायर ए है और एक वायर बी है, दो वायर अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, जैसे स्टील, कॉपर, कुछ भी, चलो मैं नाम नहीं बोल रहा, सिर्फ ए और बी दो वायर। मैंने इसे खींचा, मतलब दो वायर थे ए और बी, दोनों पर 20-20 किलो वेट लटका दिया, मतलब समझ गए ना, जैसे यूं करके एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, और उन पर वेट लटका दिए। तो जब वेट लटका दूंगा तो खिंचेंगे ये, जब मैं वायरों पर वेट लटका दूंगा तो ये खिंचेंगे। तो सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर खिंच गया, सपोज करो वायर ए 2 सेंटीमीटर डिफॉर्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और सपोज करो वायर बी 3 सेंटीमीटर डिस्टर्ब हो गया। वायर ए पे वजन लटकाया, वायर बी पे वजन लटकाया, वायर ए 2 सेंटीमीटर खिंच गया, वायर बी 3 सेंटीमीटर खिंच गया, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन है, यानी स्ट्रेन किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, वायर ए या वायर बी, बोलो बेटा हर्ष, क्यों, अच्छा अच्छा सॉरी मैं गलत था, हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, हाँ बेटा बोलो,
कि वायर ए और वायर बी दोनों को मैंने लटका दिया, दोनों पे एक जैसा वजन लटका दिया, दोनों पर एक जैसा वजन लटका दिया, वायर ए 2 सेंटीमीटर खींचा, वायर बी 3 सेंटीमीटर खींचा, तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों में किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन हुए, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, इतना लंबा बोलने की बजाय हम क्या वाला शब्द बोलेंगे, स्ट्रेन कितना आया। तो या तो मैं एक लंबा सा शब्द पूछूं कि किसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आए, या एक सस्ता सा पूछूं किसमें ज्यादा स्ट्रेन आए, तो आपने सबने आंसर दिया 3 सेंटीमीटर, वो सॉरी बी, सबने आंसर दिया कि सर इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन आई। अब ये बिल्कुल ठीक है, पहली बार में सबको यही आंसर देंगे कि देखो सर ये 3 सेंटीमीटर डिस्टर्ब हो गया, खिंच गया। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये, यदि मैं आपसे कहूं कि इस वायर की ओरिजिनल लेंथ, यानी लटकाने से पहले, खिंचने से पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर थी, 50 सेंटीमीटर थी इसकी ओरिजिनल लेंथ, और 2 सेंटीमीटर और खिंच गई यानी 52 सेंटीमीटर हो गई, मेरी बात समझ रहे ना, 50 सेंटीमीटर लेंथ थी, फिर उस पे वजन लटका दिया, वजन लटकाने के बाद वो 2 सेंटीमीटर खिंच गया। इसकी ओरिजिनल लेंथ वजन लटकाने से पहले, खिंचने से पहले 100 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब आप कैसे तुलना करोगे, अब मेरी बात समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि आपने क्या देखा कि ये 2 सेंटीमीटर खींचा या 3 सेंटीमीटर खींचा, तो आपने झटके से आंसर दे दिया सर बी ज्यादा डिफॉर्म हुआ, लेकिन अभी हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और आप देखोगे ए ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। बताता हूं कैसे, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ए और बी दो बच्चे हैं, अब की बार दो बच्चे हैं ना, इसके 20 नंबर आए हैं, इसके 50 नंबर आए हैं, कौन होशियार है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पास्ट में पूछा है, लेकिन नए बच्चों से जानना चाहूंगा, बताओ ए के 20 नंबर आए हैं, बी के 50 नंबर आए हैं, ए के 20 बी के 50, कौन होशियार है इन दोनों में कंपेयर करें, तो इन दोनों में कौन होशियार है, जल्दी नए बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। तो जो नए हैं वो क्या आंसर दे रहे हैं कि बी, ठीक है, कि मैंने पूछा ए के 20 नंबर आए हैं, बी के 50 नंबर आए हैं, तो आपने झटके से जवाब दे दिया सर बी होशियार है। लेकिन यदि मैं कहूं इसके 100 में से आए हैं, इसके 20 में से आए हैं, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पहला इंप्रेशन क्या था कि इसके 20 नंबर आए, इसके 50 नंबर आए, तो आपको लगा ये होशियार है, उत्तरी यार 50 नंबर। लेकिन अचानक जब मैंने स्टोरी पूरी लिखी कि इसके 100 में से 50 आए हैं और इसके 20 में से 20 आए, इसके 20 में से 20 आए, इसका मतलब जो आप कह रहे थे, जज कर रहे थे कि बी होशियार था, अचानक से ए होशियार हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी कभी कुछ फिजिकल क्वांटिटियों को केवल न्यूमरेटर की वैल्यू से जज नहीं कर सकते, हमें कंपेरिजन के साथ, कंपैरिजन करके आपको देना, बोलना पड़ता है कि उसके 50 नंबर आए तो सही लेकिन 100 में से, उसके 20 तो आए लेकिन 20 में से। अब वही हरकत है, जैसे आपने पहली इंप्रेशन में गलती ये कर दी कि बी होशियार था, आपको वेट करना था या ये सोचना था कि कितने नंबर का पेपर होगा या कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके 100 में से, इसके 20 में से, अब इसके ये 2 सेंटीमीटर खींचा या 3 सेंटीमीटर खींचा, तो पहले इंप्रेशन में आपने आंसर यही दिया कि ये कि बी ज्यादा खिंचा है तो बी ज्यादा डिफॉर्म हुआ है, लेकिन सच्चाई है ये 50 सेंटीमीटर का था और 50 सेंटीमीटर के बाद ये 2 सेंटीमीटर और खिंच गया ना। यदि ये 100 सेंटीमीटर का होता तो 4 सेंटीमीटर खिंचता या नहीं खिंचता सोचो, यानी पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि 50 सेंटीमीटर का था तो 2 सेंटीमीटर खिंच गया, यदि ये 100 सेंटीमीटर का होता, यदि ये 100 सेंटीमीटर का होता सोचो, तो बताइए कितने सेंटीमीटर खिंचता, जल्दी टाइप करो। ये 50 सेंटीमीटर का था तो 2 सेंटीमीटर खिंच गया, यदि ये 100 सेंटीमीटर का होता तो कितना खिंच जाता, तब ये 4 सेंटीमीटर खिंच जाता। तो बताइए यदि मैं ये डाटा ना देके इसके बदले ये डाटा दूं कि ये 100 सेंटीमीटर का वायर 4 सेंटीमीटर खिंच गया, तो अब ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है, ओ अब तो ए ज्यादा खिंच गया ना। तो इसीलिए जो आज हम डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कि उसमें डिफॉर्मेशन कितने आए अपॉन पहले वो कितना था, कंपैरिजन के साथ करेंगे। खाली आप इस वैल्यू से स्ट्रेन एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक मीनिंगफुल फॉर्मूला नहीं बन सकता। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं, चलो ये तो शायद जिसकी मैथ अच्छी है वो तो समझ भी गया होगा। बताना
एक आदमी 50 रुपए की चीज खरीद के 52 रुपए में बेच देता है, 50 रुपए की चीज खरीदता है 52 रुपए में बेच देता है, 50 रुपए की खरीदता है 52 में बेच देता है, और एक आदमी 100 रुपए की चीज खरीद के 103 में बेच रहा है, वही 3 रुपए भाई 50 रुपए की खरीद के 2 रुपए का प्रॉफिट कमा के 52 रुपए में बेच रहा है, 100 की खरीद के 3 रुपए का प्रॉफिट एडजस्ट करके 103 में बेच रहा है, तो कौन सा वाला बिजनेसमैन ज्यादा अच्छे पैसे कमाएगा बोलो, बताओ, देखता हूं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, कौन सा बिजनेसमैन अच्छे पैसे कमाएगा, ओबीसी ए अच्छे कमाएगा पैसे, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, तो इसीलिए बिल्कुल ठीक, अब आप समझ गए, इन शॉर्ट अब आप समझ गए, इसीलिए स्ट्रेन का जो हमने फॉर्मूला चुना, फिजिक्स ने स्ट्रेन का फॉर्मूला चुना कि चेंज इन कॉन्फिगरेशन, ओबियसली जब स्ट्रेन है तो इसका मतलब कुछ बॉडी के कॉन्फिगरेशन में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, यानी मेरी बात समझिए कि ये फॉर्मूला किस रूप में डिजाइन किया गया है। यदि इस सवाल को मैं दोबारा से पेश करता हूं, अपने आप फॉर्मूला समझ जाओगे, यही सवाल दोबारा से पेश करता हूं। ए था 100 सेंटीमीटर लेंथ थी, 100 सेंटीमीटर लेंथ थी, 2 सेंटीमीटर खिंच गया, 2 ले गया था मैंने, हाँ 2 सेंटीमीटर खिंच गया, नहीं 50 ली थी इसकी लेंथ, सॉरी मैं वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं कि 50 सेंटीमीटर की लेंथ थी ए की और वो 2 सेंटीमीटर खिंच गया, बी की 100 सेंटीमीटर लेंथ थी और वो 3 सेंटीमीटर खिंच गया, तो अब बताइए किसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आए हैं, अब तो मैं समझा चुका हूं कौन ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ए या बी, जल्दी बताइए, अब तो मैं समझा चुका हूं, अब आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कौन ज्यादा, हाँ जी बेटा भूम कर बिल्कुल ठीक, हाँ ए ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो कैसे जज किया आपने, आपने कैसे जज किया आप बताइए, अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छा मैं और थोड़ा कठिन करता हूं, एक बंदे के 100 में से 50 आए हैं है ना, एक के 100 और एक के 50, सपोज करो 50 में से 40 आए, ऐसे समझो ये ए ये बी, तो कौन होशियार है, अब मैं आपसे थोड़ा टफ कर दिया मैंने, क्योंकि वो फुल में से फुल थे तो इसलिए इजी था, 20 में से 20 तो आपके लिए जज करना इजी था, लेकिन अब मुझे बताइए थोड़ा सा टफ किया बस मैंने, तो अब आपने क्या देखा, कितने में से कितने आए, कितने में से कितने आए, तो इसी कंपैरिजन से ना, तो इसीलिए तो आपने यहां कैसे पहचाना कि ए में ज्यादा डिफॉर्मेशन आए, आपने एक रेशियो दिमाग में सेट कर लिया कि ओरिजिनल लेंथ तो 50 थी, ओरिजिनल लेंथ नीचे रखी, उसके कंपैरिजन में 2, यानी 50 के बदले में 2 डिस्टर्ब हो गया, 50 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में 2 सेंटीमीटर डिस्टर्ब हो गया, और इसमें आपने क्या दिमाग में चलाया कि 100 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ थी, 100 उसके बदले में 3, बोलो यही तो दिमाग में चलाया होगा, यही यही फॉर्मूला है स्ट्रेन का कि चेंज इन कॉन्फिगरेशन यानी न्यूमरेटर अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन यानी नीचे ओरिजिनल, तो ये है कहानी स्ट्रेन की, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब पहली नजर में ये फॉर्मूला सुन लिया आपने, लेकिन अब अगली नजर देखिए, इस फॉर्मूले में थोड़ा झोल नजर आएगा कि कॉन्फिगरेशन होता क्या है, कॉन्फिगरेशन या तो शेप को बोलते हैं या साइज को बोलते हैं। अब इस स्ट्रेन को यदि वाकई समझना है, इस फॉर्मूले को ढंग से समझना है, तो इस स्ट्रेन को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा बताइए, आपने जब स्ट्रेस की कैटेगरी पढ़ी थी, जब आपने स्ट्रेस की कैटेगरी पढ़ी थी, तो एक थी नॉर्मल स्ट्रेस और एक थी शियर स्ट्रेस, ध्यान है ना, फिर नॉर्मल स्ट्रेस 2 कैटेगरी की थी, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक वॉल्यूम स्ट्रेस, यही तो था, ये कैटेगरी थी, हालांकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, तो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, फिर नॉर्मल स्ट्रेस 2 कैटेगरी कर दी थी, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम। अब देखिए, यानी इसमें लेंथ में चेंज आते थे, इसमें वॉल्यूम में चेंज को स्टडी करते थे और इसमें शेप में चेंज को स्टडी करते थे, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, शेप में चेंज, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, शेप में चेंज, तो सेम स्ट्रेन की भी हमने 3 कैटेगरी कर दी, तो या तो आप लेंथ चेंज करने के लिए उंगली करोगे, या आप वॉल्यूम में चेंज करने के लिए उंगली करोगे, या शेप में चेंज करने के लिए उंगली करोगे, तो या तो लेंथ चेंज होगी फिर, तो उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
समझना बेटा, यदि आपने लेंथ में चेंज करने के लिए उंगली करी है तो लेंथ चेंज होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यदि वॉल्यूम में चेंज करने के लिए उंगली करी है कोशिश तो वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, तब हम उसे बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। और यदि आपने शेप चेंज करने के लिए कोशिश की है तो ऑब्वियसली कोशिश सफल भी हुई होगी, तो हम उसे बोलेंगे शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन यानी स्ट्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी, ठीक है। जैसी कोशिश करोगे वैसी कोशिश सफल भी होंगी। तो स्ट्रेन की फिर से देखो कैटेगरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शीयर स्ट्रेन। अपने आप समझ जाओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ में कितने डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आया है, इसमें हम ये पढ़ेंगे स्ट्रेन का मतलब डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, पूरा शब्द क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम में कितना डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आया है, शेप में कितने डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आया है, कैसे करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये हाथी के दांत दिखाने वाला है, ये जो फॉर्मूला है हाथी के दांत दिखाने वाला है, खाने वाला फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा एडजस्टेबल है, जैसे भगवान विष्णु थे ना, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से अवतार ले लेते थे, तो ये भगवान विष्णु है। अब ये कैसे अवतार लेगा, जब ये फॉर्मूला आप इस सिचुएशन में मैनेज करोगे, क्योंकि या तो ये सिचुएशन आपके सामने आएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हम पढ़ेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप समझ जाओ ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला एक बार बोल दिया हमने चेंज इन कॉन्फिगरेशन, लेकिन जब इसे जब आप रियल प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करोगे तो या तो लेंथ में चेंज आए होंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यदि वॉल्यूम में चेंज आए होंगे, आपने ये वाली उंगली करी होगी तो वॉल्यूम में चेंज आए होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इज इट ओके। अब ये रह गया शीयर स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं इस रिदम में सोचूं कि इसी रिदम में चले चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो शेप मेजर होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, वो कैसे मेजर होगी, वेट एंड वॉच। लेकिन जो दो फॉर्मूले आपके सामने मैंने खोल दिए हैं, जो दो फॉर्मूले खोल दिए हैं, क्या लगता है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा लेंथ, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यानी ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई। स्ट्रेन यदि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसका मतलब ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस आने वाली है। सेम ईयर ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो यहां से हमें स्ट्रेन के बारे में एक जानकारी और क्या मिली, कि स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस ही पढ़नी है हमको। और एक और चीज, पॉजिटिव में ही पढ़नी है, पॉजिटिव में ही पढ़नी है, पॉजिटिव में ही पढ़नी है, मतलब समझना कि मैं क्यों स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। डिफॉर्मेशन तो घट भी सकते हैं ना, जैसे लेंथ घट भी तो सकती है ना, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में कहीं है मतलब नहीं कि वो बढ़ेगी बढ़ेगी, चीजें घट भी तो सकती है, तो चाहे वो बढ़े चाहे घटे आपको पॉजिटिव में ये रिपोर्ट करनी है स्ट्रेन। अच्छा जैसे एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट हो जाता है 50 रुपए का, तो मैं कहूंगा मुझे यार 50 रुपए का फायदा हो गया। यदि मुझे 50 रुपए का नुकसान हो गया तो मैं ये नहीं बोलता कि मुझे -50 का नुकसान हुआ है, मैं सिंपली यही बोलता हूं कि मुझे 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो यानी जब फायदा हो रहा है तो भी मैं उसे पॉजिटिव में ही बोल रहा हूं कि मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुझे नुकसान हुआ तब भी मैं यही बोलता हूं मुझे 50 रुपए का लॉस हो गया, मैंने यहां माइनस तो नहीं लगाया ना, क्योंकि ये अपने आप में ही बता रहा है कि वो नंबर घट ही गया, तो जब लॉस वर्ड आ गया तो इसमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए स्ट्रेन पॉजिटिव में ही पढ़नी है, चाहे वो चीजें घटे चाहे बढ़े, ठीक है। लेंथ भाई मैंने ये लिखा है चेंज इन लेंथ, ये नहीं लिखा इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में चेंज घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जब मैंने ये पढ़ाया था तो दोनों तरीके की पिक्चर दिखाई थी कि लेंथ बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया। स्ट्रेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। जल्दी बोलो यहां तक समझ में आया, केवल भूमिका को समझ में आया, एक हां टाइप करने में, ए भगवान तुषार को छाया को, चलिए विधि को, चलो अब आ जाइए कोई नहीं।
अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं इतना मिटा देता हूं या एक और चीज। अच्छा, इतने दिन में एक क्वेश्चन और आया होगा दिमाग में, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि सर आप लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज पढ़ा रहे हो, आप एरिया में चेंज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। जैसे मैं आपको ये फिगर दूं, ये वाला फिगर था, ठीक है, ये वाला, मैंने इस पे यू करके नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, यूं तो ये यू हो गया था, याद है ना, ये यू हो गया था, ठीक। ये तो गौर से देखो, लेंथ चेंज हो गई। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैं यू दबा रहा हूं तो वो चीजें यू फैल रही है, तो वॉल्यूम एज इट इज राय, वॉल्यूम एज इट इज राय। जब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ाई थी, वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ाई थी, तो याद है वॉल्यूम स्ट्रेन एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, कि वॉल्यूम स्ट्रेन में फोर्स आपको यहां यहां हर तरफ लगानी पड़ेगी नॉर्मल। देखो इसमें साइड से फोर्स नहीं लगाई है, इसमें यू लगा रहा हूं तो यू फैल रहा है, इसमें मैंने फैलने का मौका ही नहीं दिया, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेन आई है। तो बताना इस केस में लेंथ चेंज हुई, इस केस में वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन इस केस में गौर करोगे, गौर करना, लेंथ के साथ साथ एरिया नहीं चेंज हो रहा, बोलो एरिया या डायमीटर नहीं चेंज हो रहा, चेक करो। देखो लेंथ घटी है, लेकिन आप पैरेलल में एक चीज और देखोगे तो बेटा इसका डायमीटर ये था, ये नहीं हो गया डायमीटर, देखो डायमीटर यहां से यहां हो गया, तो चेंज तो डायमीटर भी हो रहा है। तो सर डायमीटर को हम अपनी स्टडी में क्यों नहीं शामिल कर रहे, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना। दिमाग में ये क्वेश्चन डालिए, मैंने क्या क्वेश्चन क्रिएट किया है, कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या लेंथ की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने पढ़ा दी, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। एक्चुअली फिजिक्स को ये लगता है कि यदि आप लेंथ और वॉल्यूम पढ़ लेते हो तो एरिया पढ़ने की कोई खास जरूरत होती नहीं है, इसीलिए एरिया या डायमीटर पढ़ाया नहीं जाता। मेरी बात नहीं ऊपर से गई, फिजिक्स को यह लगता है कि यदि आपने लेंथ पढ़ ली, लेंथ में जो चेंजेस आए हैं वो पढ़ लिए, वॉल्यूम पढ़ लिया, वॉल्यूम में जो चेंजेस आए हैं वो पढ़ लिया, तो एरिया या डायमीटर पढ़ने की कोई नीड रहती नहीं है फिर। क्यों बताता हूं, जैसे सपोज करो जेड बराबर एक्स इंटू वाई है, इमेजिन करो जेड बराबर एक्स इंटू वाई है, तो मुझे बताइए इस इक्वेशन में कोई भी दो वैल्यू पता हो तो क्या तीसरी वैल्यू अपने आप निकलेगी या नहीं निकलेगी, बोलो। यदि इस इक्वेशन में कोई सी दो वैल्यू पता हो, कोई सी दो वैल्यू पता हो, जेड और एक्स पता है, तो क्या मुझे वाई पढ़ाना जरूरी है क्या, ये बताओ मुझे। यदि मुझे जेड की वैल्यू पता है और एक्स की वैल्यू पता है, मुझे जेड पता है मुझे एक्स पता है, तो क्या मैं वाई नहीं निकाल सकता, बोलो। जेड की वैल्यू पता है और एक्स की वैल्यू पता है तो मैं वाई निकाल ही लूंगा, तो मुझे वाई में मोड़ मारने की जरूरत ही नहीं है, या मुझे जेड पता है वाई पता है तो मैं एक्स निकाल लूंगा। तो अब सुनिए, मुझे बताइए वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ए इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं। और कई लोगों के ये ऊपर से गया होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला लिया है सर वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया है, ये कौन से देश में चलता है। चलिए आदत डाल लो इसकी, मैं बता देता हूं, आदत डाल लो लेकिन इसकी। अच्छा, कितने लोग ये बात समझ गए कि वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, पहले मैं ये तो देख लूं कि आप में से कितने लोग पहले से जानते हैं कि वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला होता है। कोई नहीं जानता, मैं बताता हूं। अच्छा, हर्ष और भूमिका ने रेस्पॉन्ड किया, ठीक है, चाय ने भी। तो देखिए, आप ये तो जानते हो ना कि सिलेंडर का फॉर्मूला है, मान लो ये लेंथ है एल, तो पाई आर स्क्वायर एल तो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। अब इस पाई आर स्क्वायर को ये एरिया नहीं लिख सकते, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ए इंटू एल। तो अब समझिए, आपने वॉल्यूम इसमें पढ़ लोगे, लेंथ इसमें पढ़ लोगे, तो फिर एरिया की जरूरत क्या है। जो मैंने यहां बोला था ना, यदि z इक्वल टू x इंटू y है, आपको कोई दो चीजें पता है, तो तीसरी तो अपने आप निकल जाती है, तो यदि आपको वॉल्यूम और लेंथ पता है तो एरिया तो अपने आप निकल ही जाएगा। इसलिए फिजिक्स ने ना एरिया या डायमीटर पर ज्यादा मूड मारा ही नहीं। तो आप दिमाग में ये क्वेश्चन आए भी कि सर लेंथ के साथ साथ चेंज तो डायमीटर भी हो रहा है, तो फिर उसके साथ सौतेलापन क्यों, तो फिजिक्स को नीड नहीं लगी। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में स्ट्रेन के चार कैटेगरी पढ़ा देते हैं, एक दो, मैंने तो तीन पढ़ाई है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर। लेकिन कुछ बुक्स में या ये तो ये भी पढ़ा देते हैं जिसका नाम है, ये चौथी कैटेगरी है, ध्यान रखना, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहां बना दी, जगह नहीं बच रही थी तो यहां खींच रहा हूं, लेटरल स्ट्रेन।
लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम और शीयर, ये तो होती है ही। लेकिन यदि आपका स्कूल में यदि लेटरल स्ट्रेन पढ़ाए तो आप उसे लिखना, नहीं पढ़ाए तो मत लिखना। ये क्या चीज होती है, जैसे सपोज करिए यहां पर लेंथ में चेंज हुई तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन उसी समय यदि आप डायमीटर में चेंज हो रहा है तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। समझ गए या नहीं? यानी चौथी कैटेगरी यदि घुसाना चाहो तो इसे भी घुसा सकते हो, लेटरल स्ट्रेन। उस फिगर को गौर से देखो, लेंथ में चेंज हुआ है, डायमीटर में भी हुआ है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं इसमें सीन, इसमें सीन थोड़ा आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन माने जब बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, आड़ी तेड़ी तिरछी हो जाती है, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, डायमीटर में चेंज और शेप में चेंज, तब हम स्ट्रेन पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इनसाइड बॉडी, ये चार तरीके की, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूम और शेयर। यदि मास्टर नहीं पढ़ाए लेटरल तो लेटरल लिखना मत, हमारा काम लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयर से हो जाता है। अब सुनो, मान लो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोबारा पढ़ाऊं आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सर पढ़ा तो दिया, पढ़ा दिया, लेकिन एक बारीकी और समझाता हूं उसमें। क्या था फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला ओरिजिनल लेंथ किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। आइए इसको किसी एग्जांपल में उतारते हैं। मान लो आपको कि न्यूमेरिकल दे दूंगा, है ना, तो कैसे न्यूमेरिकल होगा, जैसे कोई वायर है, देखिए बेटा सब लोग ये वायर है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, एक मिनट बेटा, ठीक, ये वायर है और इसकी कुछ लेंथ है एल लेंथ, दिख रहा है एल लेंथ, कैपिटल एल लिख दी मैंने। अब मैंने इसमें क्या किया, इस वायर पे कुछ वेट लटका दिया, उस वेट लटकाने की वजह से कुछ ऐसी हरकत आ गई होगी, दिख रहा है बेटा कुछ अंतर, दिख रहा है कुछ अंतर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वायर वही है लेकिन मैंने इसमें वेट लटका दिया, वेट लटका दिया तो वायर में कुछ एक्सटेंशन क्रिएट हो गए होंगे, खिंच गया होगा, तो जो नई लेंथ है वो एल डैश लिख देता हूं, ऑब्वियसली एल डैश बढ़ गई आएगी कुछ। अब ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम नहीं होगी, तो ये लेंथ होगी एल डैश, या ऐसे भी लिख सकते हो एल प्लस कुछ, लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ, या तो एल डैश लिख दो सबसे आसान है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एल जो ओरिजिनल लेंथ थी वो और प्लस कुछ बढ़ गई होगी, कुछ तो बढ़ी गई होगी, ठीक है। अब वो कुछ कैसे लिखते हैं वो टेक्निक भी बताता हूं, बताइए बेटा, ठीक है, एक्चुअली इस कुछ को ऐसे लिखते हैं, दे एक मिनट एक मिनट, चलिए अब मुझे इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाना है। मान लो मुझसे कोई कहे कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल, बेटा मीटिंग का टाइम जा रहा है, सेकंड मीटिंग में एक बार और आना, एक बार और आना, स्ट्रेन तो पूरा खत्म करूंगा मैं, स्ट्रेन तो पूरा ही खत्म करूंगा मैं, है नहीं, तो हाँ, तो अब चलिए जो इस मीटिंग में हो नहीं पाएगा ऐसा लग नहीं रहा था सर, तो चलिए अब मुझसे कोई कहेगी ये सिचुएशन दे रखी है आपको, ये फॉर्मूला लगाओ, तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो देखना बेटा सब लोग, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो एल थी, चेंज इन लेंथ। अब हम में से कई लोगों को ये सिंबल से दोस्ती नहीं होगी, ये दोस्ती, ये तो लिख दोगे चेंज इन लेंथ एल डैश माइनस एल, अच्छा न्यूमरेटर बताओ चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे, एल डैश में से एल घटाओगे, और इसी को तो डेल्टा बोलते हैं बेटा, इसी को ही तो बोलते हैं जब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस, हाँ डेल्टा में शर्त है, डेल्टा जो सिंबल है उसमें शर्त यह है कि ये होगा फाइनल माइनस इनिशियली, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। अब मैं यहां एक चीज और बताता हूं बेटा, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें चेंज इन लेंथ निकालो, डेल्टा एल निकालो, इस वाले एग्जांपल में डेल्टा एल, तो कैसे निकालोगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मैंने आपसे कहा डेल्टा एल निकालो,
चेंज इन लेंथ निकालो तो यही तो निकालोगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, 52 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर। तो अब यहां से देखिए एल डैश कितना निकल के आया, यहां से एल डैश कितना निकल के आया, एल डैश एल प्लस डेल्टा एल, तो है ना, तो गौर से सुनना, एल डैश को एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस कुछ, तो ये ना कुछ बुक्स में या तो एल डैश लिख देना या एल प्लस ऐसे भी लिख सकते हो आप, आदत डालिए और धीमे धीमे आदत बनेगी आपको कि जैसे मैंने ये लेंथ एल लिख दी और यदि खिंच गई है तो एल प्लस डेल्टा एल लिख दी, समझ गए नहीं? बिगनर लेवल पे मैं ऐसे समझा देता हूं कि इसे एल मान लो, इसे एल डैश समझ लो, लेकिन जब धीमे धीमे आप प्रो होते चले जाओगे, अभी तो आप लाइट हो, एल आई टी लाइट, जब प्रो हो जाओगे तो यदि ये लेंथ एल है तो इसे एल प्लस डेल्टा एल डायरेक्ट मान लिया करो, मेरी भी मेहनत बच जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बेबी स्टेप से समझा दिया। तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, समझ में आ गया? जल्दी बोलो समझ में आ गया कि यदि ये सिनारियो आपको दिया हो तो सिंबॉलिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसे लगाओगे, डेल्टा एल अपॉन एल। अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट क्या, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये सीन होता, इसमें तो लेंथ बड़ी है, ठीक है, और यदि ये वाला सीन होता कि मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस करने के बाद सिलेंडर ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे मैंने एक्चुअली इसमें तो अलग अलग बनाए, इसमें एक ही में चेप दिया है, या अलग ही बनाऊं? अलग ही बनाता हूं, सपोज करो, कोई नहीं अलग बना देता हूं कि मेरे अलग बना देता हूं, शायद थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए कि ये सिलेंडर है, ठीक है, चुपचाप इसकी लेंथ एल है ना, और फिर मैंने अगला फिगर देखिए, शायद आप समझ गए होगे मैंने क्या कर दिया, देखना समझ में आया कि ये फिगर था, कोई सिलेंडर था, फिर उसको मैंने नॉर्मल फोर्स लगा के उसको ऐसे कर दिया, ओके, अब बताइए इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आए या नहीं आए, पहले तो आप आए ना हमें जवाब दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट हुए कि नहीं हुए, इसमें डिफॉर्मेशन जनरेट हुए कि नहीं, लेंथ में डिफॉर्मेशन जनरेट हुए, हाँ लेंथ में डिफॉर्मेशन जनरेट हुए, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट हुए, और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट हुए तो वो क्वेश्चन पूछेगा निकालो कितने हुए, तो अब यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, और यही वाला फॉर्मूला लगा दूं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो पता है इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है, दो मिनट आपको देता हूं, बताइए वो क्या दिक्कत है, दो मिनट देता हूं आपको कि वो क्या दिक्कत है, कि यदि मैं इस सिनारियो में भी यही फॉर्मूला लगाऊं तो अब एक दिक्कत आएगी, चलो मैं बता देता हूं, शायद नहीं पहुंच पाओगे, देखो फॉर्मूले की प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तो है ओरिजिनल लेंथ, ये है फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ यही तो है ना, फाइनल लेंथ एल डैश, और डेल्टा एल का मतलब क्या होता है बोलो, डेल्टा एल का एक ही मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फाइनल वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है, उसे इस बात से मतलब ही नहीं है, जब भी डेल्टा लगाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, जैसे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लगाऊं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल ही होता है, चाहे वो घटी हो चाहे बढ़ी हो, डजंट मैटर। अब मैंने क्या किया, इस सिचुएशन का फॉर्मूला यहां यूज करने की कोशिश करी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन अब जब आप इसे न्यूमेरिकली करोगे तो पता है क्या दिक्कत आएगी, कि जब आप डेल्टा एल निकालोगे तो डेल्टा एल ऐसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा, और जब डेल्टा एल ऐसे निकलेगा तो ये इसमें आएगा नेगेटिव, सोचो क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें गौर से देखो फिगर को देखो, आपका एल डैश इस बार एल से छोटा है, इसमें बच गए आप, इसमें एल डैश एल से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, एल डैश एल से बड़ा था, तो जब बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, आएगा नहीं आएगा पॉजिटिव बोलो भाई, डेल्टा एल माने एल डैश माइनस एल, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि दिख रहा है कि ये बढ़ गया है, बड़ा माइनस छोटा, ज्यादा माइनस कम तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव तो स्ट्रेन तो पॉजिटिव ही आएगा, और जब मैं स्ट्रेन पढ़ा रहा था तो एक शर्त बोली थी, स्ट्रेन यूनिटलेस डायमेंशनलेस एंड हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है,
लॉस भी हुआ तो मैं यही बोलूंगा मुझे 4 रुपए का नुकसान हो गया, माइनस 4 नहीं बोलना मुझे। अब यहां क्या दिक्कत आ गई, मैंने ये फॉर्मूला उठा के यहां लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब गौर से देखो, ये भाई साहब नेगेटिव आएंगे नहीं आएंगे, ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। अब जब मैं न्यूमेरिकल, आप और हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, सोचो सिंपल है, सोचो ये 50 हो या 48 हो, ये तो नेगेटिव आएगा ना। चलो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो स्ट्रेन तो नेगेटिव हो गई, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि या तो फिर वो डेफिनेशन में से हटाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले सिनारियो में जब मैंने ये फॉर्मूला सिंबॉलिकली यूज किया, ऐसे ऐसे यूज किया, डेल्टा को यूज करना चाह, मैंने इस सिंबल डेल्टा को यूज करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट होता है डेल्टा लिखना, डेल्टा या डी लिखना, तो ऐसे यूज करोगे तो गड़बड़ आएगी। तो हम पता है क्या चंटपना खेलते हैं, फिजिक्स क्या एक चंटपना खेलती है, ऐसे सिनारियो में फॉर्मूला फिर आप ये नहीं यूज करोगे, एक माइनस आप ऑलरेडी लगा लेना पहले से, एक माइनस आप पहले से लगा देना, मतलब समझना। यदि आप डायरेक्ट यूज करोगे तो आपने समस्या समझ ली कि ये तो फिर नेगेटिव आएगा स्ट्रेन, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। लेकिन अब फिजिक्स आपसे क्या चंटपना क्या चालाकी कह रही है कि यदि आपका दिल इस डेल्टा पर ही आ गया है और आप इस सिनारियो में यही फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना चाह रहे हो, तो एक माइनस आप अपनी तरफ से लगाइएगा। इससे क्या फायदा होगा कि एक माइनस आपने ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ये एक माइनस आप यूज कर रहे हो, तो बताइए अब स्ट्रेन पॉजिटिव होगी नहीं होगी, यानी ये नेगेटिव पता है किस बात के लिए, आ आ तू आ सारे तुझे देखता हूं मैं नेगेटिव, आ मैं देखता हूं, तो यहां जो नेगेटिव आएगा उसको ये पॉजिटिव कर देगा। तो नेगेटिव साइन हियर इज एडेड टू मेक स्ट्रेन पॉजिटिव। अच्छा, जिसने ये आज की क्लास नहीं ली, जो केवल इसको देखेगा, मान लो सिर्फ इसको देखेगा, उसे क्या लगेगा, सर आप तो कह रहे थे स्ट्रेन पॉजिटिव ही होती है, आपने खुद नेगेटिव पढ़ा दिए, सर आपने पहले लिख दिया था स्ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती, आप खुद नेगेटिव पढ़ा रहे हो। लेकिन एक बारीकी से समझना, ये नेगेटिव जानबूझ के ये सोच के लगाया गया है, क्योंकि ये भाई साहब तो नेगेटिव आएंगे अब, तो ये नेगेटिव, तो एक नेगेटिव हमने लगा दिया, आज तरीके मैं देखता हूं तुझे डेनिस, आज ससुर मैं देखता हूं, नहीं तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्ट्रेन हमें पढ़नी पॉजिटिवली है। तो बस ये कॉन्सेप्ट और था स्ट्रेन में, कि यदि बढ़ रही है तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूले को ऐसे डिलीवर करिए, और यदि घट रही है और आप डेल्टा के साथ फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हो, शब्दों में नहीं लिखना, अच्छा ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ऐसे लिखना कंफर्टेबल है या ऐसे लिखना कंफर्टेबल है, बताओ, मतलब ऑप्शन ए कंफर्टेबल है या ऑप्शन बी कंफर्टेबल है, लिखना फटाफट, जिसमें ये कंफर्टेबल है शब्दों में, चेंज इन सी एच एन जी, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन, है ना, ये ऑब्वियसली ये कंफर्टेबल है। तो यदि आप थोड़ा कंफर्ट जोन चाहते हो तो यहां माइनस लगा देना, लेकिन कब, कब, जब घट रही हो, हर बार नहीं। अच्छा, लेकिन एक सस्ता तरीका और बताता हूं फिर, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यदि मैं एक समरी दूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो समरी में आपको यह समझ में आया, यदि लेंथ बढ़, हाँ तो मैं एक बता रहा था समरी, यदि मैं लू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो आपको यह समझ में आया कि यदि लेंथ बढ़ रही है तो फटाफट ये लगा देंगे, और घट रही है तो सर हम ये लगा लेंगे, भले ही एक बार को नजर में लगेगा कि ओवरऑल स्ट्रेन नेगेटिव तो नहीं आई, नहीं आएगी, तो बढ़ रही है तो ये लगाएंगे, घट रही है तो ये लगाएंगे। लेकिन यदि मैं एक सस्ती बात बताऊं कंजड़ों के लिए, सबका साथ सबका विकास, चीजों को थोड़ा आसान करूं, तो फिर आप ये लगा लेना, ये मैं कंजड़ों के लिए बता रहा हूं, अब बताओ है ना मजे आ गए, मोड जैसा है वो मोड कर देना। लेकिन ये सफलता आपको कुछ 2-3 टॉपिकों में मिल जाएगी, काम चलाने के लिए मैंने बता दिया है कि स्ट्रेन के केस में ये आप चला लोगे, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो मोड के लिए इंटीग्रेशन होता नहीं है, मोड के लिए डिफरेंशिएशन परेशान करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसलिए फिर हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है, भले मैंने काम चलाने के लिए, अच्छा मैं पहले ये बता देता ना तो शायद बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता, यदि मैं पहले ये बता देता तो फिर आप इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, और यदि मैं ये बताता नहीं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका ढीला हो जाता। ठीक है, काम चल जाएगा आपका, बिलीव मी काम तो इससे चल जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में, या जब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहे ना, जब तक आपका काम इससे चल जाएगा।
और इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा नहीं, तो इस चैप्टर में तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी जो वास्तविकता है ना वो चीज सीखिए। ये चीज समझ में आ गया ना? तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेन में यदि मैं यहां वॉल्यूम लिख दूं, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम वाले एग्जाम्पल शो करने पड़ेंगे, तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए मान लो मैंने ये एग्जाम्पल दिया और इसमें हर तरफ से स्ट्रेन लगानी चालू कर दी, स्ट्रेस सॉरी, ठीक है, ऐसे तो पढ़ाया था, और इसका वॉल्यूम हो गया कंप्रेस। तो यदि मैं शब्दों की बजाय सिंबलों पे जाऊं तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम घट रहा है तो एक माइनस तुम अपने आप लगा देना, समझ गए या नहीं समझ गए? क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम, अच्छा पहले इसको मत देखो, गलती से बन गया, पहले ये देखते हैं। ये बैलून है, हवा भर दी, हवा भरने की वजह से, तो पहले इसको देख लो, वो वॉल्यूम ऐसे हो गया। अब मुझसे कोई कहे वॉल्यूम स्ट्रेन निकालो, तो क्या करूंगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही आएगा, वॉल्यूम थोड़ी ही नेगेटिव होता, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम। अब आप अपनी बुद्धि से बताइए, इस एग्जाम्पल में डेल्टा वी, ये तो वी प्लस है ही, डेल्टा वी कैसा आएगा, प्लस या माइनस? इस एग्जाम्पल में डेल्टा वी डॉटेड माने फाइनल, जो डॉटेड है वो फाइनल है, ऑब्वियसली ये फाइनल है जो बड़ा है और ये छोटा है, और डेल्टा में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसमें तो वॉल्यूम स्ट्रेन पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन इस केस में बताइए, डॉटेड माने फाइनल, डेल्टा वी नेगेटिव आएगा ना, डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यदि वॉल्यूम घट रहा हो तो आप ये लगाना, बढ़ रहा हो तो ये लगाना, और इस चैप्टर में केवल काम चलाना है तो वॉल्यूम स्ट्रेन ऐसे पढ़ लेना, खत्म, हटा सावन की घड़ा, बत्ती बुझा, काम चल जाएगा आपका इस चैप्टर में। तो दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। यही मैं एक चीज और बता दूं, बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? इसका एक नाम और है, इसको लॉन्गिट्यूडनल, इस रेशियो को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हम बोलेंगे ही, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा ये नाम मैं थोड़ा सा मैच कराता हूं, ये कहां पढ़ा होगा, जब हम एरर पढ़ रहे थे ना, तो आपको ध्यान है रिलेटिव एरर भी थी, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स था ना, रिलेटिव एरर याद करो, ऐसे ही कुछ था ना फॉर्मूला, तो याद करो रिलेटिव एरर का एक नाम और था फ्रैक्शनल एरर। यदि आपकी स्टडी, आपकी डिक्शनरी यदि दिमाग में हो, याद हो, तो रिलेटिव एरर का भी एक नाम और था फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है ना, इसलिए इसे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और एक चीज आप अपने आप फटाफट बता दोगे, बताना यदि मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता था तो इसे बोलते थे परसेंटेज एरर, तो इसमें यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए इसे क्या बोलेंगे, यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो बोलो ये दूसरा नाम भी समझ में आ गया ना, और आना चाहिए, ठीक है। अब रह गई हमारी शियर स्ट्रेन, उसे और देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेन। अब आते हैं शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन, इस पे से पर्दा नहीं उठाया मैंने, क्योंकि ध्यान करो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेन, और एक और बताई थी साइड में, यदि आपका टीचर ये पढ़ाए तो पढ़ लेना, लेटरल स्ट्रेन, क्या फॉर्मूला था, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, पर इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा मुझे इसमें एक चीज और बताइए, यदि किसी बुक्स में आप ये पढ़ लो, मैं तो ये बोल रहा हूं चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और बाय चांस किसी बुक्स में ये पढ़ लो चेंज इन रेडियस
अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो आप मुझसे लड़ोगे या खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि कोई बात नहीं। मान लो मैं तो ये पढ़ा रहा हूं चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और किसी बुक्स में आपने ये पढ़ ली चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, तो आप मुझसे लड़ोगे या मान अपने आप ही समझ जाओगे? लड़ोगे? हाँ कोई कह रहा है हाँ मतलब हाँ लड़ोगे है नी? तो लड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, ये एक ही जैसा आएगा आंसर, क्योंकि इसको टू टू लिखोगे तो टू से टू कट जाएगा, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए इस मुद्दे पर आते हैं, शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन क्या है तो आपको बताता हूं, देखिए पहले वो फिगर बताता हूं शियर स्ट्रेन समझाने के लिए जो मैं जनरली यूज करता हूं। देखिए आपको याद है ना कि ये वाला हिस्सा रिजिडली क्लैंप कर दिया मैंने, रिजिडली क्लैंप कर दिया, हिलेगा ही नहीं ये, और ऊपर से ये वाली फोर्स लगा रहा हूं, ये वाली फोर्स लगा रहा हूं टेंजेंशियली, एफ टी लिख देता हूं, तभी तो इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस बोलोगे। अब इस वजह से बॉडी में ना ऐसे डिफॉर्मेशन आ गए, ऐसे आ रहा है ना समझ में, ऐसे। यदि आप हैवी सी बुक लीजिए, ये हालांकि मेटल में इतना बड़ा डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए बनाने के लिए इतना तो फ्री हिट लेनी पड़ती है। एक्चुअल में तो ये होगा, सच बात तो ये कि एक्चुअल में यदि ये कोई सॉलिड मेटलिक क्यूबॉइड है और मैं इस पे टेंजेंशियली स्ट्रेस लगाऊं तो मामूली से आएंगे यूं। अब बताना इतने में तो मैं कुछ समझा भी नहीं पाता, क्या ये बताओ किस फिगर में क्लियरिटी दिख पा रही है? एक्चुअल में तो ये होगा कि बहुत मामूली से आएगा, लेकिन ये फिगर से कम कुछ दिखा तो पा रहा हूं आपको। तो मैं बना ऐसे रहा हूं, समझना ऐसे, ऐसे समझ लो, बनाया मैंने ऐसे है, समझना आपको ऐसे है, ठीक है? चलिए अब सुनिए, ऐसे करके फोर्स लगाई, इस बॉडी में शियर स्ट्रेन आ गई, तो यहां पर एक एंगल जनरेट हुआ होगा, उस एंगल का नाम मैंने रख दिया थीटा। फिजिक्स ने बड़ी चालाकी से समझदारी से शियर स्ट्रेन की जिम्मेदारी, यार शियर स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करें, क्या लिखें, चेंज इन अपॉन बनाना अपॉन, तो शियर स्ट्रेन की जिम्मेदारी फिजिक्स ने कह दी चल थीटा टू ले ली। अब थीटा पे दिल क्यों आया? क्या देखिए, नो डाउट जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा थीटा उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा थीटा, क्योंकि हमें स्ट्रेन में यही तो कैलकुलेट करना है, करना ही यही है, तो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो तो ज्यादा वैल्यू आए स्ट्रेन की, तो यदि ये ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो थीटा ज्यादा आएगा। दूसरी बात, थीटा डायमेंशनलेस होता है, नहीं होता बोलो, हमें स्ट्रेन डायमेंशनलेस ही तो पढ़नी है, थीटा डायमेंशनलेस ही होता है, इसलिए शियर स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड बाय द थीटा। जो फिगर यहां पे ले लो थीटा, यहां लेना चाहो तो यहां ले लो, पर वहां दिखाना आसान है थोड़ा, पीछे ले लो थीटा। अब ये थीटा होगा बड़ा मामूली सा, ये थीटा मैंने कहा ना ऐसा होगा, कैसा होगा, बहुत ही मामूली, और जब थीटा मामूली होता है तो हमें एक 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 फ्री हिट मिलेगी। माना ये लेंथ एल है, ये वाली साइड, ये एल है ये, और ये जो है ये एक्स है, ठीक है? तो आप बताइए ये एक्स बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा एक्स, तो क्या इस थीटा को आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर फिगर करके बताऊं, ऐसे आ गया तो मेरी मेहनत बच जाएगी। बताओ शियर स्ट्रेन को पहले थीटा से, थीटा को जिम्मेदारी दे दी कि तू शियर स्ट्रेन मेजर करेगा, और फिर थीटा क्योंकि मामूली सा है तो आर्क अपॉन रेडियस, जो लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि इसे आर्क क्यों मान लिया जाता है ना? तो बताइए आज की क्लास समझ में आई? मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग